टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा और शिलफाटा इलाके में चोरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। लगातार चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं। एक बार फिर शिलफाटा के इलाके में ट्रू मोटो बाइक शोरूम में चोरी की घटना सामने आई है। शोरूम के ओनर शाहिद सैयद ने बताया है कि दो लोगों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरों ने शोरूम से लैपटॉप, मोबाइल और कैश की चोरी की है। हालांकि सीसीटीवी में चोर देखे जा सकते हैं कि शटर को टेढ़ा करके उसके नीचे से ये चोर शोरूम में दाखिल होते हैं और चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। हालांकि शाहिद सैयद ने बताया है कि चोरी की घटना को लेकर उन्होंने पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई है। मेरा नाम शाहिद सैयद है। देखो, सबसे पहले तो 3:30 बजे तो कुछ रात में चोरी हो गई है, ठीक है, जो ऐसे होना नहीं चाहिए। मुमरा शहर में जैसे कि अपना पहले से नाम खराब चल रहा है, तो इसी वजह से जो चोरी चल रही है, तो इस तरह से नाम नहीं खराब होना चाहिए, चोरी नहीं होनी चाहिए अपना सबसे पहले तो। और जो पुलिस वालों को जो काम है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे पुलिस वालों ने ज़्यादा तो उनका नाइट का राउंड अप जो है राउंड अप वो बढ़ाना चाहिए लोगों ने, तो इसी से बच सकते हैं। बाकी हमारा जो यहाँ नुकसान हुआ है, कैश गई है, उसके बाद हमारे लैपटॉप भी गए, मोबाइल भी गए यहाँ से। कैश कितना था आपका? कैश कुछ 1,10,000 के करीब था। मैंने पुलिस स्टेशन में हमने कंप्लेंट भी की है, पुलिस वाले भी यहाँ पे आके गए, डीपी वाले यहाँ पे आके गए। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया है कि क्या एफआईआर दर्ज हुई आपकी? अभी तक तो नहीं हुई, 4 बजे बुलाया पुलिस ने। अच्छा, तो 4 बजे जाके फिर एफआईआर दर्ज होगी। पुलिस वाले आके गए, पुलिस ने सर्वे किया है, कोऑपरेट भी कर रहे हैं, कोऑपरेट भी कर रहे हैं पुलिस अच्छी तरह से।